आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि उन्होंने हमारे कि लिए क्या 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 किया। नहीं सहा उन्होंने हमारे लिए। और सच में जी दिल से सैल्यूट है उनको, जितना सलाम करें ने उनको उतना कम है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये रही हमारी आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। अभी बज रहे हैं रात के 8:25 और जिया जो है खाना बना रही है किचन में। तो जी देखते हैं किचन में क्या बना रही है, क्या अरे आटा सान रही है, किस बात के लिए? आज ना सत्तू पूरी बनाएंगे, हम तो सत्तू मिला करके रख दिए इसमें सब कुछ। वाह, खीर बन रहा है। ओहो, खीर है सबे? खीर बन रहा है, खीर। ओए होए, मजा आ जाएगा, एकदम जला के बनाओ, एकदम लगे खुआ जैसा। देखो पूरा लाल हो चुका है ना, अभी कुछ दिए नहीं है बस इसमें। इसको अच्छे से पहले लाल करके उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपका था तबीयत खराब, आपको देख रहे थे 2 दिन से, बोल रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाना, अच्छा नहीं लग रहा है, सोचे आज पति देव के लिए कुछ अच्छा बना दे। चलो अच्छा है, अच्छा खाना आज बनेगा, मजा आएगा। बिल्कुल, जब तक जिया खाना बना रही है तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। और खाना तो है ही जी जबरदस्त, मेरा सच में पसंदीदा भी है पूरी खीर, मन आनंद हो जाता है मेरा। तो चलते हैं जी अपने काम पर लगते हैं, फिर जिया आएगी फिर खाना खाने बैठेंगे। जब से मालूम चला है कि सत्तू पूरी बना रही है, काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं कब बनेगा, कब खाएं। हाँ तो जल्दी बनाओ ना, अब हाथ है, मशीन थोड़ी है, अब आराम से ही बनेगा ना। हम आपको तो बोले नहीं थे कि आके पूछो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, पहले आपको जाने में खुजली रहती है, पेट में गुदगुदी लगता है, तो तुम जान ले खाना क्या बन रहा है। भाषण कम दो, जल्दी से छानो, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे यहाँ मेरा पूरी बन रहा है, जल्दी जल्दी से मैं बना लूं, लगता है तेल थोड़ा ज्यादा डल गया है। कैसा बनाओ, इधर मेरा खीर बन चुका है जो हम पहले दिखा चुके हैं आपको, और यहाँ बन रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है और बनाना है यहाँ पे। और इतना बनाना है हमको, ये शायद हो चुका है, मैं इसको निकाल देती हूँ। A few moments later, और ये जी खीर पूरी लग गया है। तो जल्दी से आप खा के बताओ, क्योंकि हम बहुत गर्मी में परेशान होकर के बनाए हैं, आप जल्दी से आप बताओगे टेस्टी बनाए तो सर यार मेहनत सफल हो गई मेरी, आप जल्दी से भोग लगाओ। बहुत बढ़िया, बताओ कैसा बना? अब टेस्टी लगे या कैसा लगे खाएंगे तो जरूर। अच्छा ही बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाए, जल्दी से बताओ आप। जब अच्छा बनाए चले तो खा रहे हैं हम। बहुत अच्छा बनाइए बोलो, मतलब बहुत अच्छा सुन के ही रहना है। जल्दी से बताओ कैसा बना। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही में ना। अब सही में तुमको बहुत अच्छा सुनने का मन है तो बहुत अच्छा सुना दिए। कैसे पति हैं आप लोग देख सकते हैं, जिसकी बीवी इतनी गर्मी में किचन में खाना बना के देती है वो ये तक नहीं बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना, इतने कंजूस है। बहुत अच्छा बोलने में, वैसे तो हर टाइम बहुत अच्छा करते रहे, जब खाना बना के हम खिलाते हैं तो उस टाइम पूछेंगे कि आप बोलो बहुत अच्छा, तो लगता है उस टाइम पैसा लगता है, बोलते ही नहीं है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बोल देंगे तो फूल की कुप्पा हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं ताकि आगे इससे भी अच्छा खाना बनाते रहेंगे। बहुत बढ़िया, आपसे तो अच्छे डैडी हैं, आज तक नहीं बोले कि खराब बना है खाना, जब भी बोलते हैं बोलते हैं बहुत बढ़िया बना है, सोचते हैं खाने नहीं देगी दोबारा। आप ही के जैसे नहीं है। खाना खा के जो है मन एकदम हो गया तंदुरुस्त, अब खाना खाने के बाद अब थोड़ा काम पर बैठ जाते हैं और मैं चली किचन की सफाई करने। जाओ सफाई देवी। सकते कि हमारा किचन बिल्कुल साफ हो गया है, ऐसे ही डेली रात में हम किचन साफ करके सोते हैं। आप में से बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि आपका किचन बहुत गंदा है, आप साफ कर लो, तो
तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारा किचन साफ है, आप देख सकते हो हम डेली ऐसे ही साफ करते हैं और जब भी खाना बनाते हैं तो उसको साफ करते हैं। लेकिन हमारा ये जो किचन है ना, ये सीमेंटेड है, ये देख सकते हो आप, सीमेंटेड होने की वजह से ये ऐसा दिखता है, इसको जितना भी साफ कर लो ना ये ऐसा ही दिखेगा। आज इंडिपेंडेंस डे है और आजादी का यह दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज के दिन जो है हमें थोड़ा अपने बचपन का याद आ रहा है। कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता था तो हम लोग इतना एक्साइटेड रहते थे कि अब जलेबी खाने को मिलेगा, बुनिया खाने को मिलेगा, झिलिया खाने को मिलेगा, चॉकलेट खाने को मिलेगा। हाँ जी, इतना खुश रहते थे हम लोग। हमें ध्यान है कि स्कूल में जब बढ़ता था ना जलेबी और बुनिया सब, सबसे तो पहले आगे लाइन में लग जाते थे। लाइन में नहीं लगते थे हम, क्या होता था जब मेरा नंबर आ जाता था ले लेते थे, फिर दोबारा लाइन में लग जाते थे दोबारा लेने के लिए। तो हम क्या करते थे, अपने स्कूल से जल्दी जल्दी आ जाते थे घर। अच्छा, पूछोगे घर क्यों आते थे? क्योंकि मेरे बाबा और मामा, बाबा मामा अपने दादा दादी को बोलते हैं, दोनों प्रिंसिपल थे। तो हम क्या करते थे, जैसे उनके आने से पहले पहुंच जाते थे और दरवाजे पे खड़े रहते थे कि जब आएंगे ना, तो मामा लेके आती थी चॉकलेट और बाबा लेके आते थे जलेबी। तो हम पहले खड़े रहते थे कि हम आएंगे जैसे हम सारा ले लेंगे, और हमको देख करके मेरे घर के और भी जो बच्चे थे वो सोचते थे खड़ी है इसका मतलब कुछ बात है, वो लोग ही लाइन में खड़ा हो जाता। सबसे पहले हम छीन के ले लेते थे क्योंकि हमको लेना है सारा, क्योंकि हम पहले खड़े हुए हैं। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन खा नहीं पाती थी पूरा। हाँ। बस खाली लेने में आगे रहना है, खाने में नहीं। ये तो थी बचपन की बातें। जब बचपन बीत गया अपना, जब अपना 10th पास कर गए और जब हम लोगों का स्कूल वहाँ से खत्म हो गया, तब उस समय तो बुनिया झिलिया का जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो कमी खल रहा था। लेकिन जब हम लोग घर आते थे तो क्या था कि घर के आसपास भी कुछ स्कूल है, तो उनमें से एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है पापा के दोस्त, वो क्या करते थे, जैसे ही उनके स्कूल में फंक्शन खत्म होता था तब वो अपने स्कूल में जो भी मिठाई बंटता था, बुनिया झिलिया हो या जलेबी, हर साल शायद अलग अलग, वो घर में आके पहुँचा देते थे। आज भी जलेबी आया था। हाँ, आज सुबह भी आया था। तो थैंक यू अंकल जी, आप थोड़ा सा बचपन हम लोगों का जिंदा रखे उस जलेबी के बहाने ही। हाँ जी, इसके अलावा और क्या होता था, मेरी मम्मी जो है वह भी शिक्षा विभाग में है, तो मम्मी भी अपने स्कूल से ले आती थी जो भी मिठाई सब होता था। लेकिन माँ का तो अब ट्रांसफर हो गया है किसी और सिटी में, तो अब तो नहीं आ पाता है। तो माँ भी आज झंडा फहराई है अपने कार्यालय में, तो कुछ उसकी भी फोटो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप लोग देखिए ये सब फोटो जो माँ अपने कार्यालय में झंडा फहरा रही थी। ये तो थी हमारी बचपन की यादें जो आप लोगों से शेयर किया, थोड़ा अपना जो एक बचपन का मोमेंट था उसको जी लिए। आप लोगों ने भी जिया होगा, आपकी भी कुछ ऐसी बचपन की कहानी होगी जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कैसा रहता था 15 अगस्त और 26 जनवरी। और जी, आप बात करेंगे उन लोगों की जिनकी वजह से आज हम यहाँ खुले तौर पर बात कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने देश में आजाद घूम पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम देश हित में कुछ भी एक बात रखना चाहे तो हम वो रख सकते हैं। तो अगर आज हम उनकी बात नहीं करें तो बेमानी होगी जी। जी मैं सोच रहा हूँ उन क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने हमारे लिए, ताकि आज जो हम जी रहे हैं हमारा आज उनका भविष्य था, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया। अगर वो भी चाहते तो वो सोचते हमें क्या जा रहा है, मतलब आज जो हम झेल रहे हैं वो हमारी अगली पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े, इसलिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। और सच में जी, दिल से सैल्यूट है उनको, जितना सलाम करें ने उनको उतना कम है। आज भी जब हम कुछ पुरानी मूवी देखते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि क्या क्या नहीं सहा उन्होंने हमारे लिए। धन्यवाद जी उन सभी का, कितनी बार धन्यवाद बोलो, कितनी बार धन्यवाद बोलो, जितनी बार नमन करो उनको उनके इन जज्बे के लिए उतना कम है जी जो उन्होंने हमारे लिए किया है। एक बार उनको भी धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम इस देश में सुरक्षित रह पा रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे देश के उन जवानों की जो सीमाओं पर खड़े हैं ताकि आज हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके, वह बॉर्डर पर लड़ रहे हैं दुश्मनों से ताकि आज हम अपने घरों में चैन से जी सके। तो आज हम इस अवसर पर उनकी भी बात करना चाहेंगे जो खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे पेट में अन्न जा सके। आज हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन अन्नदाताओं की, उन किसानों की जिनकी वजह से हमारे पेट में अनाज जा रहा है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, देश के उन जवानों को, देश के उन किसानों को जिनकी वजह से हमारा आज बेहतर हो पा रहा है और हम आज की जिंदगी जी पा रहे हैं।
तो ये थी जी हमारी कुछ दिल की बातें आज इंडिपेंडेंस डे पर। हो सकता है आप में से कुछ को स्पीच भी लगे जी, जो भी बोला है हमने दिल से कहा है और सोचा कि आज थोड़ा इस पर बात करना चाहिए। डेली लाइफ, लाइफस्टाइल, ब्लॉगिंग, ये सब तो चलता ही रहेगा जी, लेकिन आज जैसा दिन है, आज के दिन जिनकी वजह से आज हम इस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए तो दो शब्द बोलना ही चाहिए हम सभी को। तो जी अब समय आ गया है इस वीडियो को खत्म करने का, यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।